सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं एमएस वर्ड में, लेकिन उसके पहले आपने मेरे पिछले एमएस वर्ड की वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखिए। उसमें मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना, एमएस वर्ड में लोगो बनाना, उस बारे में टॉपिक में एक वीडियो बनाया है, तो जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक करिए और शेयर करिए, और अब सपोर्ट अपना चैनल पर बनाए रखिए और वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है एमएस वर्ड में एक अच्छा फ्रंट पेज बनाना, प्रैक्टिकल कॉपी या प्रोजेक्ट कॉपी का। तो उसके लिए हमें एमएस वर्ड को यहाँ में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ले लेना है। उसके बाद हमें डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है पेज बॉर्डर का, पेज बॉर्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, आर्ट में जाइए। आर्ट में जाने के बाद आपको बहुत सारा अलग अलग डिज़ाइन मिलता है, अलग अलग पेज बॉर्डर आपको यहाँ दिखेगा। आप स्क्रॉल डाउन करिए, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ कोई भी आप रख लीजिए, मैं ये रख लेता हूँ और ओके कर लीजिए। तो हमारा यहाँ पेज बॉर्डर आ गया पेज में। अब हमें हेडिंग जो अपना नाम है इंस्टीट्यूट का वो देना है, तो इसके लिए हमें इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा वर्ड आर्ट का। तो मेरा यहाँ पे जो ऑफिस है वो एमएस ऑफिस 2021 है। अगर आपका 2007 या 2010 है तो आपका थोड़ा अलग टाइप में आ सकता है, पर आपको यहाँ में एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। तो एक ऑप्शन को आप ले लीजिए वर्ड आर्ट को, यहाँ में अपना नाम जो इंस्टीट्यूट का वो डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ नेशनल कंप्यूटर, ये हो गया। इसे थोड़ा सा सेंटर कर लीजिए। इसे एडजस्ट कर लीजिए। इसे आप सेलेक्ट करिए, बोल्ड करिए। यहाँ में आपको बहुत सारा है, हमें ऑप्शन मिल जाएगा, शैडो, ग्लो, तो यहाँ को बहुत सारा यहाँ में ऑप्शन मिल जाएगा। अब उसके बाद हमें जगह का नाम डालना है, कौन सा स्टेट में हमारा ये है। तो उसके लिए भी इंसर्ट में जाइए, वर्ड आर्ट में जाइए और एक अच्छा वर्ड आर्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं डाल दूंगा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली डाल दिए। इसे भी एडजस्ट कर लीजिए, मीटर में ला लीजिए। इसे भी थोड़ा बोल्ड कर लीजिए सेलेक्ट करके। इतना हो गया। अब हमें सेशन डालना है, फिर इंसर्ट में जाइए, वर्ड आर्ट में जाइए, एक वर्ड आर्ट ले लीजिए और यहाँ में सेशन मैं डाल दूंगा, सेशन 2022 से 2023, ये सेशन हो गया। इसे भी एडजस्ट कर लीजिए, इसे भी आप बोल्ड कर लीजिए, साइज अपना हिसाब से आप रख लीजिए। ये इतना हो गया हम लोग का। अब उसके बाद हमें एक पिक्चर चाहिए कि पता चले ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो इसके लिए इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ में ऑप्शन मिलता है पिक्चर्स का, सेलेक्ट करिए। दिस डिवाइस में जाइए, तो मैंने यहाँ में सेव कर रखा है पिक्चर, तो मैं इसी को यहाँ में ले लेता हूँ। पिक्चर आने के बाद आपको यहाँ में रैक टेक्स्ट में जाना है और यहाँ में करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स। यहाँ में आप इसको ड्रैग कर लीजिए नीचे। यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है पिक्चर स्टाइल का, तो यहाँ में आप कुछ भी स्टाइल में रख सकते हैं, यहाँ बहुत सारा आपको स्टाइल मिल जाएगा, तो मैं स्टाइल में रख लेता हूँ थोड़ा नीचे, इसे भी थोड़ा नीचे,
अपना हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। इतना हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ में हेडिंग इसमें देना है प्रैक्टिकल कॉपी, तब पता चलेगा ये प्रैक्टिकल कॉपी का फ्रंट पेज है। उसके लिए भी वर्ड आर्ट में जाइए और यहाँ में एक अच्छा वर्ड आर्ट आप ले लीजिए, कोई सा भी आप वर्ड आर्ट यहाँ में लिख सकते हैं। मैं ये वाला वर्ड आर्ट ले लिया और यहाँ में लिखना है प्रैक्टिकल कॉपी। हो गया, इसे भी एडजस्ट कर लीजिए यहाँ, ये हो गया। इसे भी आप अपना हिसाब से एडिट कर सकते हैं या इसको आप अपना डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं छोटा भी कर सकते हैं। ये इतना हम लोग का हो गया, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सेंटर में कर लीजिए। अब हमें यहाँ में इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है और नीचे जाके स्टार्स एंड बैनर्स में आपको एक शेप मिलता है, यहाँ में स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल, इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से इसे ड्रैग कर लीजिए, इसे भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। आप यहाँ में कोई सा भी कलर रख सकते हैं, अगर आपको कलर नहीं पसंद है तो यहाँ पे आपको सेफ फील्ड में आ जाइए। सेफ फील्ड में जाने के बाद आपको यहाँ में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ में रख लेता हूँ ये वाला, इसे आप एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। इतना हो गया। अब हमें इसमें नेम, कोर्स, फादर नेम सब लिखना है, तो राइट क्लिक करिए और ऐड टेक्स्ट करिए। यहाँ में नेम लिखिए, मैं लिख देता हूँ नेम में सूरज कुमार सिंह, ये नेम हो गया। इसे थोड़ा सा बोल्ड करिए, थोड़ा बड़ा करिए, इसका कलर को आप चेंज कर लीजिए। कोई सा भी आप यहाँ से ले लीजिए कलर, यहाँ में बहुत सारा आपको मिल जाएगा। फादर नेम लिख लीजिए, फादर नेम मैं लिख लूंगा रमेश कुमार सिंह, कुमार सिंह, इतना हो गया। इस शेप को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। फिर हम लिखेंगे कोर्स कि वो कौन सा कोर्स कर रहा है, कोर्स में लिख देंगे ADCA, ये हो गया। फिर नेक्स्ट एंटर करके लिखेंगे बैच टाइम, बैच टाइम मैं लिख दूंगा बैच टाइम मॉर्निंग 7 AM, सेवन ए एम, ये इतना हम लोग का हो गया।
तो ये हम लोग का एक फ्रंट पेज जो होता है प्रैक्टिकल कॉपी का, ये बन चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्रंट पेज होता कैसा है। आप चाहे तो इसे कोई से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई से भी कलर में आप चेंज कर सकते हैं, आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। ये बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है, कलर मिल जाता है, कोई से भी आप कलर में दे दीजिए। मैं ऑरेंज रख लेता हूँ तो ऑरेंज में आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि एक फ्रंट पेज प्रैक्टिकल कॉपी का कैसा बनता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल कॉपी का फ्रंट पेज कैसे बनता है एमएस वर्ड में। तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।